ओके हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बॉक्स। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्राउन ज्वेल में क्या फैंस ने रोमन रेंस को मिस किया, और क्राउन ज्वेल के बाद सेथ रॉलिंस ने क्या इंटरव्यू दिया रोमन रेंस के हेल्थ पर और उनके बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, क्राउन ज्वेल में हम पहले बात कर लेते हैं कि क्राउन ज्वेल में क्या रोमन रेंस को किसी ने मिस किया। तो दोस्तों, क्राउन ज्वेल में फैंस ने रोमन रेंस को बहुत ही सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, और वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आई मिस यू रोमन, रोमन गेट वेल सून, बहुत सारे पोस्टर थे। तो रोमन रेंस को अभी याद कर रहे हैं फैंस और बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे चीज़ के बारे में कि सेथ रॉलिंस ने क्या इंटरव्यू दिया रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों, सेथ रॉलिंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोमन रेंस ने जब ल्यूकेमिया कैंसर का रिवील किया था 22 अक्टूबर की रो में, तो सभी जितने भी सुपरस्टार थे लॉकर रूम के, वो बिल्कुल शॉक थे और वो एक दूसरे को हग कर रहे थे और रो रहे थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा शॉक था क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, और सेथ रॉलिंस ने सही में ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो रो रहे थे स्टेज पर। और उन्होंने बताया कि उनकी हेल्थ के बारे में कि रोमन रेंस अब बिल्कुल ही पहले से ज़्यादा ठीक हैं और उनकी रिकवरी जल्द ही होगी। और उन्होंने बताया कि वो अभी इस बीमारी से अभी लड़ रहे हैं, और सेथ रॉलिंस ने बताया कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि सेथ रॉलिंस उन्हें याद किए बिना रहते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं हर 2 घंटे में उन्हें फ़ोन करके पूछूं, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रोमन रेंस खुद एक बड़े सुपरस्टार हैं और ताकतवर रेसलर हैं जो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बड़ी भावना व्यक्त की है रोमन रेंस के बारे में कि वो कितना प्यार करते हैं और फैंस उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।